सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है भाई 9:15। आई डोंट नो कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो। और 9:30 को मुझे यहाँ से निकलना है वर्किंग के लिए, तो मेरे पास 15 मिनट बचे थे, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। देखो, मेडिकल रेप्स या नया हो या पुराना, ये प्रॉब्लम उसके साथ चलते ही रहती है। तो इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से आपको इसको फेस करना है। प्रॉब्लम ऐसी है दोस्तों कि हमें सैलरी और एक्सपेंस जब मिलता है तो उसमें क्या हमें दिक्कत आती है। देखो क्या रहता है, बहुत सारे लोगों के सैलरी और 90% लोगों के सैलरी एक्सपेंस साथ में आ जाते हैं। अभी जब सैलरी एक्सपेंस साथ में आ जाते हैं तो वो उसको लगता है कि ये मेरी पूरी सैलरी हो गई, और वो उसको पूरा भाई जहां भी उसके एक्सपेंसेस रहते हैं वहां पे खर्चा कर देता है। बाद में पूरा महीना रहता है वहां पे उसके पास पैसे नहीं रहते। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आपके पास पैसे नहीं है, आप इधर उधर से अरेंज करके वर्किंग पे जा रहे हैं ना, तो आप वर्किंग में कंप्रोमाइज करना सीख जाओगे। और जहां पे आपने वर्किंग पे कंप्रोमाइज करना सीख लिया ना, मतलब कि आपकी ग्रोथ वहां पे रुक जाएगी दोस्तों, आपका करियर वहां पे खत्म हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे टाइम काम नहीं करना है। कैसे होता है वो मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में होती क्या चीजें हैं। दोस्तों क्या रहता है कि जब हमें सैलरी और एक्सपेंस मिलता है, तो एक्सपेंस जो रहता है वो हमारे खर्चे के लिए कंपनी हमें प्रोवाइड करती है कि भाई एक महीने का जो आपका है वो खर्चा इसमें हो जाएगा। मतलब कि पिछले महीने का एक्सपेंस आता है तो हमें इस महीने में यूज करना रहता है, एक महीने डिले रहता है हमेशा एक्सपेंस। बट जब एक्सपेंस और सैलरी आती है, अभी नया नया जैसे कोई लोग फील्ड में ज्वाइन करते हैं तो उनके इतने सारे खर्चे रहते हैं, यहाँ पे पैसा देना है, वहां पे पैसा देना है, तो वो सैलरी और एक्सपेंस जैसे ही आती है ना, उठा के फट से वहां पे दे देते हैं। सभी के साथ ऐसे ही होता है दोस्तों। इवन मैंने जब फील्ड को ज्वाइन करा था तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी। बट उसके बाद जब हमारे पास पैसा नहीं रहता है और वर्किंग पूरा एक महीना करना रहता है ना, तो वहां पे क्या रहता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिर वर्किंग से कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट कर देते हैं। जाएंगे नहीं, ऐसे ही बता देंगे, लोकल में ज़्यादा वर्किंग करेंगे, कम से कम काम से कंप्रोमाइज करेंगे, 2 विजिट है तो वहाँ पे 1 विजिट करेंगे। तो जहाँ पे मेडिकल रैप्स ऐसा करना स्टार्ट कर देगा ना, 1, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वो निकाल देगा, इवन 1 साल तक भी वो निकाल देगा, बट ज़्यादा लंबे टाइम तक वो अपने करियर को नहीं खींच पाएगा दोस्तों। तो ऐसे मिस्टेक हमें नहीं करना है। तो हमें क्या करना है भाई, जो सैलरी आ रही है ना वो हमारे पर्सनल यूज़ के आ रही है, जो एक्सपेंस आ रहा है ना वो हमें वर्किंग के लिए यूज़ आ रहा है भाई, वहाँ पर हमें वर्किंग पे यूज़ करना है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप बोल रहे थे कि भाई एक्सपेंस को भी सेव किया जा सकता है। देखो, कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है जो भी एक्सपेंस 300-400 रुपए, जब भी हम इंटीरियर वगैरह जा रहे हैं, जो भी आपका अलाउंसेस वगैरह हो, तो उसमें क्या करिए दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हो या फिर ज्वाइंट वर्किंग 2 लोग जा रहे हो मिलकर एक बाइक से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहां पर आप सेव कर सकते कि आपको 400-500 रुपए मिले हैं, तो वहां से आप घर से टिफिन ले जाके वहां पर वो पैसा सेव कर सकते हो। ऐसे तरीके से आप सेव कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि जो आपने पूरा ही पैसा खर्च कर दिया और पूरे महीने आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो, आपके पास पैसा नहीं है। हमेशा जो भी न्यू मेडिकल रैप जितने भी फील्ड में ज्वाइन कर रहे हैं, सभी के साथ ही प्रॉब्लम देखने को आती है। और न्यू का इवन बहुत सारे 3-3, 4-4 साल भी जिन लोगों को हो जाते हैं ना, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होती है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, सैलरी हमारे पर्सनल यूज के लिए आती है, जो भी हमें यूज करना हमारे लिए सैलरी रहती है। एक्सपेंस हमेशा टूर करने और अलाउंसेस, जो हमें काम टूर में जो भी हमारे कभी होटल ले रहे, कभी खाना खा रहे, इसी के लिए कंपनी हमें अलाउंस प्रोवाइड करती है। तो उसको कभी भी सैलरी में काउंट मत करिए। हाँ, महीने में अगर उसमें से बच जाता है तो वो आप यूज करो, उसका कंपनी कभी भी आपको नहीं पूछेगी कि भाई इतना दिया तो आपका पेट्रोल इतना ही लगा, कि आपने होटल तो लिया नहीं, हमने आपको इतना पे करा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो उसमें कभी भी बिल वगैरह नहीं लगाने पड़ते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इस क्या रहता है कि स्टार्टिंग में हम पैसा वैसे तो खर्च कर देते हैं, उसके बाद जब हमारे पास पैसा नहीं रहता ना, तो हमेशा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, हम हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, हम कॉल पे भी फोकस नहीं कर पाते, वर्किंग पे भी फोकस नहीं रहता, फिर कल का टेंशन रहता है, कल तो इंटीरियर जाना है, अभी तो पैसा नहीं है, फिर कल मैं कैसे टूर करूंगा, फिर इंसान क्या फिर इधर उधर जुगाड़ लगाने में लगा रहता है कि वहाँ से पैसा अरेंज कर लूँ, यहाँ से पैसा अरेंज कर लूँ। और जब ऐसी चीज़ें चलती हैं ना, तो जो उसका वहाँ पे ऑन कॉल जो या फिर फील्ड में जो फोकस होना चाहिए ना, वो फोकस नहीं हो पाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि इस टाइप की गलती आप ना करें। आई नो कि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है जो हमारे टॉपिक चलते, बाकी मैं चाहता हूँ कि भाई आपको फील्ड से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, जिससे कि जो नए मेडिकल रैप्स या फिर जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है वो सीखे और अपने करियर को एक अलग ही बनाए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे।